नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। सुबह के 10 बज रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन का हम आगाज करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 1892 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 568 लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में अब तक ओमाइक्रॉन के 382 केस। भारत को ओमाइक्रॉन के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ओमाइक्रॉन वेरियंट को लैब में आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेटेड ओमाइक्रॉन से भारत को वैक्सीन डेवलपमेंट में मदद मिलने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम ने खुद ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है और जो लोग संपर्क में आए हैं उन्हें अपील की है कि आप अपना चेकअप करवाएं। देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही दिल्ली भी कोरोना के मामले में लगातार मामलों में बढ़ोतरी दिल्ली में देखी जा रही है। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 4099 केस दर्ज किए गए, जो कि बीते दिन के मुकाबले 28% ज्यादा है। आज डीसी जीआई को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होगी डीसीजीआई की। वहीं बैठक में बूस्टर डोज के उपयोग के लिए भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन की जांच की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज के लिए आवेदन किया है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार में आज डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद राज्य में कोरोना को लेकर कुछ और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही नीतीश के जनता दरबार में शामिल होने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीनएजर्स को दी जा रही है वैक्सीन को एक्सपायर बताने वाली खबरों का केंद्र सरकार ने खंडन किया है, भ्रामक बताया। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी, ऐसे में 3 जनवरी को 41 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ। देश में अब बच्चों को भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर डीसीजीआई एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों की आज बैठक होनी है। यह बैठक आज दोपहर को होगी। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। अमेठी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, हिंदुत्व को ना समझने वाले राहुल के पूर्वज एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इसलिए वो देश और अमेठी के साथ एक्सीडेंटल काम करते रहे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वो खुद एक्सीडेंटल योगी हैं और इंटरनेशनल भोगी हैं। आज सीएम योगी का लखनऊ, अलीगढ़, सहारनपुर और मैराथन दौरा। अलीगढ़ और देवबंद को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही ग्राम जड़ौदा जट में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव 8 और 9 जनवरी को 2 दिन के अयोध्या दौरे पर जाएंगे। 8 जनवरी को शाम को पहुंचने के बाद वहां सर्किट हाउस में रुकेंगे। अखिलेश यादव 9 जनवरी को रथ यात्रा के साथ ही 5 विधानसभाओं में रथ यात्रा के जरिए रोड शो भी कर सकते हैं। सिद्धू ने बरनाला में रैली के दौरान ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव में जीत पर कांग्रेस घरेलू महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना देगी और सरकार की तरफ से 8 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस पर राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पलटवार किया, कहा कांग्रेस हमारे वादों का मजाक उड़ा रही है लेकिन खुद वही कर रही है। पंजाब कांग्रेस में कला एक बार फिर से सामने आ रही है। सिद्धू के बयानों से तंग आकर रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश की है। रंधावा ने कहा कि जब से मुझे गृह मंत्रालय मिला है सिद्धू नाराज चल रहे हैं। सिद्धू को गृह मंत्रालय अगर चाहिए तो मैं 1 मिनट में उनके चरणों में रख दूंगा। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फिर से गहलोत सरकार की किरकिरी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, भ्रष्टाचार सब जगह है, क्या गारंटी है मेरे अधीन आने वाले विभागों में भ्रष्टाचार ना हो। लद्दाख में एलएसी पर सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ, चीनी सैनिक पेंगोंग त्सो लेक में आने वाले हिस्से में एक पुल बना रही है। एलएसी के करीब ये निर्माण करीब 2 महीने से चल रहा है। ये पुल पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ेगा। चीन की सीमा पर बढ़ती दखल के बाद ओवैसी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की और कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, यह मुद्दा गंभीर है। नोएडा में बड़े बिल्डरों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हम देख रहे हैं। इनकम टैक्स ने आज भी छापा मारा है बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर। नोएडा डिवीजन ने छापेमारी की है। आईटी ने नोएडा, दिल्ली, आगरा में रेड की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कल बड़ी कामयाबी हाथ लगी। श्रीनगर में शालीमार गार्डन इलाके में ही 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर किया। लश्कर के टॉप कमांडर को मार गिराने के बाद सेना के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मेरठ के चोर बाजार पर सरकार की सख्ती का असर दिख रहा है। व्यापारी अब चोरी के कार का सामान छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। ये लोग अब मार्केट में जूते और कपड़े बेच रहे हैं। कबाड़ियों ने यहाँ पोस्टर लगाकर चोरों को चेतावनी दी थी, अगर कोई भी चोरी का सामान बेचा गया या चोरी का काम किया गया तो पुलिस को बताएंगे। सीएम नीतीश कुमार की जनता दरबार में एक रेप पीड़िता ने बिहार के डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कहा है, बिहार के डीजीपी कहते हैं कि लड़कियां लड़कों को रेप के लिए उकसाती हैं। पीड़िता ने सीएम नीतीश कुमार के सामने बिहार के डीजीपी के बयान पर आपत्ति जाहिर की। राजस्थान में कुछ भूमाफियाओं ने एक महिला और उसके घरवालों के साथ मारपीट की है। पाली में बदमाशों ने महिला और उसके परिजनों पर लाठी पत्थर से हमला किया, डंडों से मारा। जब महिला के परिजनों ने भागने की कोशिश की तो भूमाफियाओं ने हमला और तेज कर दिया, जख्मी हो गए।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में 9 जनवरी तक भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी है। भारी बर्फबारी से हवाई और रोड ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। यहां सोमवार को कई फीट तक बर्फबारी हुई है। ड्रोन के जरिए ली गई तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आया। रोहतांग की झील में भी बर्फ जम चुकी है। सऊदी अरब के ताबुक शहर में भी इन दिनों भारी बर्फबारी का दौर। यहां कई बीते हम दिनों से देख रहे हैं कि जमकर बर्फबारी हो रही है। पूरा रेगिस्तानी इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहां ठंड ने भी पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है।